गुड इवनिंग अभिनव, केश, प्रणव, रूपाली, एवरीबॉडी। चलो सबसे पहले तो जरा सेशन लाइक करो तुम लोग। ये तुम लोगों के आने के पहले दो लोग जो डिसलाइक कर देते हैं उनको जरा बताओ कि इतना बुरा भी नहीं पढ़ाती हूँ मैं। गुड इवनिंग तान्या, हेमंत, प्रवीण, परितोष, आरती, आशुतोष, हाउ आर यू ऑल। आरती, उमंग सर की नेक्स्ट क्लास कब होगी? आई लास्ट सर टुडे एंड मैं क्लास के बाद सर से पूछती हूँ एंड देन आई लेट यू नो सर की क्लास कब होगी। ठीक है, प्रॉबली कल रात में होनी चाहिए। ठीक है, बट आई लेट यू नो, आई विल कन्फर्म इट एंड आई लेट यू नो। ओके, कैसे हो सब लोग? हाउ आर यू रूपाली, मीनाक्षी, बताओ क्या हाल है? हेमंत, आई गेट इट, बट ये तीसरा डिसलाइक किसका है फिर? समबडी जस्ट डिसलाइक लाइक द थर्ड डिसलाइक, द दो तो मैं समझ गई, तीसरा कौन है? इतनी मेहनत करके क्यों आते हो तुम लोग? इतनी मेहनत पढ़ाई पे कर लो यार, इतना डिसलाइक करने के लिए आ जाते हो। हाय सौरभ, हाउ आर यू? चलो ठीक है, अब कल जो पढ़ा था वो याद है कि नहीं याद है पहले ये बताओ। मेरा आशीर्वाद है, मतलब तो तुम जीवन भर ठीक रहने वाले हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ओके, तो कल क्या पढ़ा था याद है कि नहीं याद है? आई जस्ट होप याद है, और अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा एक आध दो मिनट रिवाइज कर लेते हैं। तुम लोग यार सेशन वगैरह शेयर करते नहीं हो, ठीक है? आई जस्ट कीप ऑन येलिंग हियर एंड मैं पढ़ाती रहती हूँ 1-1 घंटा, फिर तुम लोग मुझे उसके बाद शेयर भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, उल्टा डिसलाइक और कर देते हो। ऐसे नहीं चलेगा भाई, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, सो मौर्यस की अगर हम बात करें तो हमने कल देखा था, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा था, हमने चाणक्य के बारे में देखा था कि कैसे जब चाणक्य पैदा हुए थे उनके एक दांत में सिंबल ऑफ स्नेक था, जिसके बाद एक एस्ट्रोलॉजर ने उनकी माँ को बोला कि ये या तो बहुत बड़े एक मंत्री बनेंगे या राजा बनेंगे, जिसको सुनकर उनकी माँ रोने लगी और उसके बाद चाणक्य ने, कौटिल्य ने अपना दांत को तोड़ लिया। इसके बाद आगे जाकर जब वो बड़े होते हैं तो वो धनानंद के कोर्ट में मिनिस्टर बनते हैं। लोग धनानंद की ग्रीड से काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर चाणक्य के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि धनानंद को समझाइए कि ऐसे नहीं चल पाएगा। जब चाणक्य ये करने के लिए धनानंद के पास जाते हैं तो धनानंद उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं और उनको बोल देते हैं कि आप ये पूरे एम्पायर से ही निकल जाइए। जिसके बाद चाणक्य, कौटिल्य जो हैं वो एक प्लेज लेते हैं, वो लेते हैं, वादा करते हैं कि जब तक वो धनानंद का एम्पायर नष्ट नहीं कर देते तब तक वो सामने नहीं आएंगे। ठीक, इसके बाद धनानंद के बारे में हमने बात करी थी, जहां हमने देखा था कि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीड फॉर वेल्थ रखते थे, उनका ऑप्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम था, हर तरीके से वो पैसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे, डिड नॉट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये सारी चीज़ें हमने धनानंद के बारे में देखी। इसके बाद हमने ये देखा कि कैसे चाणक्य अलेक्जेंडर के जाने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और कैसे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर सीधे पाटलिपुत्र पे अटैक कर देता है, लेकिन वो हार जाते हैं। इसके बाद पता चलता है, जब वो एक एक माँ और बेटे की कॉन्वर्सेशन को सुनते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि गलती कहाँ हुई। गलती कहाँ हुई कि एम्पायर को धीरे धीरे कॉर्नर से बढ़ाना शुरू करना होता है, ना कि सीधे बीच में जाके हाथ डाल देना होता है। ठीक, इसके बाद निकेटर की बात करी थी हमने। निकेटर कौन थे? जब अलेक्जेंडर वापस जा रहे थे और उनकी डेथ हो गई थी तो उनके कुछ गवर्नर थे जिनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई एम्पायर के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा अलेक्जेंडर के एम्पायर का जो हिस्सा था वो सेल्यूकस निकेटर के पास आया। ओके, और निकेटर ने फिर डिसाइड किया इंडिया में
इन्वेजन करने का। उसके बाद जब वो इंडिया आते हैं तब नॉर्थ में चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उनकी वो इन्वेड करते हैं तो एक ट्रीटी साइन होती है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य 500 एलिफेंट निकेटर को दे देते हैं, और निकेटर क्योंकि हार जाते हैं एक तरीके से, तो निकेटर हैड टू गिव अपने चार इम्पोर्टेंट एरियाज, काबुल, कंदाहर, हेरत और बलूचिस्तान, ये चार चीज़ें, ये चार एरियाज निकेटर को, चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़ जाते हैं। इसके अलावा निकेटर की बेटी हेलेना की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से की जाती है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग नेहा, नहीं महेंद्र आप अभी लेट नहीं हुए हो, कल का ही सेशन हम अभी रिवाइज कर रहे हैं। मुझे पता है काफ़ी कम लोगों ने ज्वाइन किया, इसलिए मैं कल का ही सेशन अभी रिवाइज करवा रही हूँ। इसलिए अगर कोई नया भी ज्वाइन कर रहा है तो उसको भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर, समबडी हु इज़ न्यू हियर फर्स्ट टेल मी कि आप नए हो यहाँ पे, ताकि मुझे पता चले कि आप नए हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम और यूट्यूब सब्सक्राइब कर लो ताकि रोज के लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे। तो ये है टेलीग्राम चैनल। ओके प्रवीण, आई कांट रिमेम्बर ऑफ द नेम ऑफ द ट्रीटी, आई डोंट थिंक देयर वाज अ ट्रीटी, उसको यूजुअली पीस ट्रीटी के नाम से ही जाना जाता है, एंड इफ एनीबडी ऑफ यू नोज इट देन प्लीज टेल मी, आई डोंट थिंक देयर वाज द नेम ऑफ दिस ट्रीटी। ओके ठीक है, सो पीपल प्लीज डू, स्टूडेंट्स प्लीज डू लाइक दिस सेशन एंड डू शेयर इट। यार तुम लोग कर ही नहीं रहे हो, सब्सक्राइबर वब्सक्राइबर बढ़ा ही नहीं रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। आधे लोग तो जो देखते हैं उनमें से भी 30% लोगों ने लाइक नहीं किया। सो यूट्यूब यूजुअली गिव्स दी स्टैटिस्टिक्स ना, तो उसमें भी ऐसा है कि जो लोग देखते हैं उससे भी 30% लोगों ने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद हम देखते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया वाला रीजन है, जब चंद्रगुप्त मौर्य निकेटर से वो चार रीजन ले लेता है, देन ही हैज टू रिटर्न बैक टू पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र से वो इतने दूर के रीजन को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वहां पे वो एक गवर्नर अपॉइंट कर देता है जिसका नाम है पुष्यगुप्त। ओके इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दो नामों की, जो ग्रीक और लैटिन में बुलाया जाता है, सैंड्रोकोटॉस, जस्ट अ सेकेंड, सैंड्रोकोटॉस और एंड्रोकोटॉस। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये दो टाइटल, ये दो टर्म, ये दो वर्ड किसके लिए यूज होते हैं, तो दे आर यूज्ड फॉर चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद हम बात करेंगे कि मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने जो लिखी थी वो हमने देखा, इसके कोर्ट में किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में कौन आए थे, मेगस्थनीज आए थे जिनने इंडिका बुक लिखी। ये हम कल का चीज रिवाइज कर रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ। ओके आगे आगे हमने कल ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन देखा चंद्रगुप्त के अंदर, जिसमें हमने 6 कमिटीज विद ईच कमिटी हैविंग 5 मेंबर्स ईच। इसके बाद आर्मी में देखा कि 6 विंग्स थी। उसके बाद आर्मी मेंटेन कैसे की जाती थी, साउंड फाइनेंशियल बेस, और ये कुछ रीजंस थे जो हमने देखे कि स्टेट जो था वो काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल करता था। दे यूज टू हैव मोनोपोली इन माइनिंग, लिकर और आर्म्स वगैरह जो थे उसमें। इन तरीकों से देखा गया कि फाइनेंशियल सिस्टम को साउंड रखा गया, फाइनेंशियल सिस्टम को सही रखा गया, जिस कारण से आर्मी सही रही। ओके आई होप अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी विल मूव टू चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अब हम बात करेंगे बिंदुसार की। किसी को कोई दिक्कत? राम क्या हाल, अंकित क्या हाल, नेहा हाउ आर यू, सेशन लाइक किया कि नहीं किया? चलो आगे बढ़ते हैं, अब बिंदुसार की बात करेंगे। बिंदुसार को एक और नाम से जाना जाता है, अमित्रघात। अमित्रघात मतलब somebody who is a killer of his enemies, अपने दुश्मनों को मार डालने वाला, ठीक है, अमित्रघात। और ग्रीक में इनको क्या बोला जाता है, उसी से मिलता जुलता नाम है उसी से मिलता जुलता नाम है अमित्रोचेट्स, ठीक है। अमित्रघात के नाम से याद रखो, ज्यादा चांसेस एग्जाम में ये आने के हैं। इसके बाद सो यूजुअली पहले के जमाने में देखा जाता था कि किंग जो थे अपने दुश्मन किंग्स को, यानी कि दूसरे एम्पायर के, दूसरे जगहों के राजाओं को कैसे मारते थे, या तो वॉर से मारते थे या जहर देकर मार देते थे। सो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे,
चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते थे, ये हर दिन अपने खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते थे, ठीक है, ताकि वो जहर के यूज टू हो जाए, उनकी बॉडी जहर के यूज टू हो जाए, तो फ्यूचर में कभी कोई राजा उनको जहर से मार ना पाए। इस कारण वो ऑन अ डेली बेसिस अपने खाने में थोड़ा सा जहर मिलाते थे। अब एक बार वो अपनी वाइफ के साथ बैठ कर खा रहे थे, और उनकी वाइफ जो थी दुर्धरा, उनकी वाइफ का नाम था दुर्धरा, तो दुर्धरा जो थी वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ की बात हो रही है, वो प्रेग्नेंट थी, दुर्धरा प्रेग्नेंट थी, और उस टाइम पर वो दोनों साथ में खाना खा रहे थे। जब खाना खा रहे थे तो बीच में उनको रियलाइज हुआ, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, कि इस खाने में तो जहर है। तो वो खुद तो जहर से बच गए, लेकिन उनकी जो वाइफ थी उनको दिक्कतें होने लगी, और वो एक ऐसी क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच गई जहां पे जो भी वैद्य, जो भी डॉक्टर था, उसने कहा कि या तो बच्चे को बचाया जा सकता है या तो माँ को बचाया जा सकता है। सो चाणक्य से सलाह लेने के बाद, कौटिल्य से चाणक्य से सलाह लेने के बाद, इट वॉज डिसाइडेड दैट द डॉक्टर विल सेव द चाइल्ड, विल सेव द बेबी, बिकॉज आगे का वंश तो बच्चे को चलाना है। सो दुर्धरा की वहां पे डेथ हो जाती है एंड द बेबी इज सेव्ड। ये जो बेबी पैदा होता है, ये जो बेबी पैदा होता है, इनका नाम रखा जाता है बिंदुसार, इनका नाम रखा जाता है बिंदुसार। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया। या परितोष इज राइट, एग्जैक्टली वो जो फिल्म में होता है ना कि एकदम ड्रामेटिकल सीन हो गया कि या तो माँ को बचाया जा सकता है या तो बच्चे को बचाया जा सकता है, और एकदम उस डिलेमा में है कि अब किसको बचाया जाए। तो यहाँ पे चाणक्य कहते हैं कि बच्चे को बचाना जरूरी है क्योंकि आगे का वंश तो बच्चा ही चलाएगा। ओके, थैंक यू सो मच आरती। ओके, इसके बाद क्या होता है, सो फाइनली बिंदुसार पैदा हो गए। अब बिंदुसार के टाइम पे, व्हेन बिंदुसार रूल्स, चंद्रगुप्त मौर्य तो चले गए थे अपना किंगडम देके, साउथ श्रवणबेलगोल चले गए थे, यहाँ पे नॉर्थ में जो किंगडम आया वो पूरा का पूरा किंगडम एम्पायर किसके पास आया, इट केम विद बिंदुसार, बिंदुसार के पास आया। अब बिंदुसार के टाइम पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जहां से हमेशा इन्वेजन्स होते हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फाइनली एक बार देखा गया कि फिर एक रिवोल्ट होने लगा। इस रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए बिंदुसार अशोक को भेजते हैं। सो किंग अशोक गोज फ्रॉम पाटलिपुत्र टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू कंट्रोल दैट रिवोल्ट। और जैसे ही अशोक वहां पहुंचते हैं, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के, किसी वॉर के, अशोक के डर से, बिकॉज ही वॉज सच अ स्टॉन्च रूलर, सच अ स्ट्रॉन्ग किंग, इतनी तरीके से वो इतने सारे वॉर्स जीते हुए थे कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जब वो पहुंचे, द किंग्स, उस एरिया के जो किंग्स थे, दे गॉट रियली स्केर्ड। व्हेन दे गॉट स्केर्ड दे सबमिटेड, इवन विदाउट हैविंग अ वॉर, अ फाइट और एनीथिंग लाइक दैट, दे सिंपली सबमिटेड। सारे के सारे उधर के किंग्स ने बिना किसी वॉर के सबमिट कर दिया, एंड वो जो रिवोल्ट था वो वैसा का वैसा सप्रेस हो गया। सो ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रिवोल्ट हुआ बिंदुसार के टाइम पे, इसको कंट्रोल करने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। इतनी चीज समझ आई कि नहीं आई? ओके, सो बिंदुसार की अगर बात करें, अभी हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगस्थिनीज एम्बेसडर थे, ग्रीक एम्बेसडर हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज मेगस्थिनीज। नाउ अगर मैं बिंदुसार की बात करूं, तो बिंदुसार के टाइम पे द एम्बेसडर हु विजिटेड द कोर्ट, द ग्रीक एम्बेसडर हु विजिटेड द कोर्ट वाज डिमाकस। डिमाकस नाम का एक ग्रीक एम्बेसडर केम टू द कोर्ट। ओके, एक चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अमित्रघात नाम से जाना जाता है। वन थिंग अगेन विच इज इम्पॉर्टेंट इज, यहाँ पे देखो, ही सपोर्टेड आजीविका सेक्ट, ही सपोर्टेड आजीविका सेक्ट। सो वी नीड टू रिमेम्बर दिस थिंग कि चंद्रगुप्त मौर्य अपना रीन खत्म होने के बाद, अपना टेन्योर खत्म होने के बाद, और मे बी या ड्यूरिंग द एंड ऑफ हिज टेन्योर ही कन्वर्ट्स टू जैनिज्म। वो जैनिज्म में कन्वर्ट होके साउथ चले जाते हैं, दक्षिण की ओर चले जाते हैं। वेयर एज अगर बिंदुसार की बात करें, तो ही सपोर्ट्स आजीविका सेक्ट एट द एंड।
वो आजीविका सेक्ट के सपोर्टर बन जाते हैं। अब आजीविका सेक्ट वगैरह जब फिलोसफी में अगर हम कोई चैप्टर आता है तब डिटेल में देखेंगे, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज टू नो दैट आजीविका सेक्ट में ये बोला जाता है कि कोई भी चीज अगर सही है, इफ इट इज गुड, या कोई वर्च्यू माना जाता है, सो जस्ट डोंट डू इट बिकॉज द रिलीजन वॉन्ट्स यू टू डू इट। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर रिलीजन सेज कि दूसरों को नहीं मारना चाहिए, ओके, सो डोंट डू इट बिकॉज आपका रिलीजन बोल रहा है कि दूसरों को नहीं मारना चाहिए। डू इट बिकॉज वो चीज खुद में अच्छी है, ठीक है? सो जस्ट डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ रिलीजन, डू इट बिकॉज द थिंग इट सेल्फ, द वर्च्यू इट सेल्फ इज गुड। दैट इज वॉट इज योर आजीविका सेक्ट। आई होप इतनी चीज क्लियर है, आई होप इतनी चीज क्लियर है। किसी को कोई डाउट? यस महेंद्र, ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ वील रीड आगे, ओके? सो अशोक की बात करेंगे अब हम। किंग अशोक की बात करेंगे। सो अशोक का मतलब क्या होता है? अशोक मीन्स समबडी हु इज फियरलेस, समबडी हु इज फियरलेस, हु इज विदाउट सोरो, अशोक का मतलब ये होता है। अब अशोक किसके बेटे थे? बिंदुसार के बेटे थे अशोक। बिंदुसार और बिंदुसार की वाइफ थी सुभद्रांगी, उनके बेटे थे अशोक। बिंदुसार जो थे वो क्षत्रिय थे, जबकि उनकी वाइफ जो थी वो एक ब्राह्मण थी। तो जब उनके कोर्ट में ये चीज देखी गई, तो क्योंकि अशोक एक ब्राह्मण वुमन से पैदा हुए थे, उनने उनने जन्म लिया था, तो उनको उतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिला कोर्ट में। ही वॉज नॉट रिस्पेक्टेड दैट मच बाय द किंग एंड बाय द मिनिस्टर्स, नॉट बाय द किंग, बाय द मिनिस्टर्स एंड बाय द पीपल अराउंड। तो उनको ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी गई। बट अशोक से ऐसा माना भी जाता है कि उनके पापा यानी कि बिंदुसार भी उनको ज्यादा पसंद नहीं करते थे, ठीक है? सो इट इज सीन दैट अशोक वॉज ट्रीटेड नॉट एट पार विद अदर्स। तो बाकी उनके जो भाई थे उनके साथ उनको समान ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था। ही वॉज ऑलवेज डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है? और उनके अदर्स, वो उनके जो टोटल भाई बहन थे वो लोग 100 थे। तो अशोक के अलावा ही हैड 99 ब्रदर्स मोर, ही हैड 99 ब्रदर्स मोर। अब अगर अशोक की बात की जाए, ठीक है, तो अशोक को मिनिस्टर्स और आसपास के जो किंगडम, सॉरी नॉट इन किंगडम, जो उनके पैलेस में लोग थे वो नहीं पसंद करते थे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द जनरल पब्लिक, द जनरल पब्लिक तो फैन थी भाई अशोक की, ठीक है? द जनरल पब्लिक वॉज अ फैन। एक तरीके से पूरी पब्लिक अशोक के पीछे, दे वॉन्टेड अशोक टू बी द किंग। सो लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स, नाउ बिंदुसार डिड नॉट लाइक अशोक, बिंदुसार वॉज नॉट हैप्पी विद अशोक। सो वॉट ही डिड वॉज ही सेंट हिम टू उज्जैन, और उज्जैन का गवर्नर बना दिया गया, उज्जैन अपना ही उज्जैन, ठीक है? सो अशोक वॉज मेड द गवर्नर ऑफ उज्जैन। अशोक को पाटलिपुत्र से उज्जैन भेज दिया गया। इतना समझ में आया? यस सौरभ, वेलकम टू दिस। थोड़ा सा थाम्बा थाम्बा थाम्बा, बताएगी, मैं सब बताएगी। यहाँ पे जो बच्चा लोग मेरी क्लास देख के मेरी क्लास को डिसलाइक कर रहा है ना, ऐसा अच्छी बात नहीं है, ठीक है? यस इंडीड, अशोक वॉज पीपल्स चैम्प। ओके, सो वॉट हैपेंड वॉज कि उज्जैन भेज दिया गया, पापा ने ऑर्डर दे दिया, बिंदुसार ऑर्डर्ड अशोक टू गो एंड टेक ओवर उज्जैन। सो ही गोज एंड बिकम्स द गवर्नर ऑफ उज्जैन। नाउ व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम पाटलिपुत्र टू उज्जैन, जब वो पाटलिपुत्र से उज्जैन जा रहे थे, तो रास्ते में बेसनगर में रुके। बेसनगर यानी कि विदिशा में रुके, ठीक है? बेसनगर इज आज का विदिशा। तो विदिशा में हॉल्ट किया उनने, और वहां पे एक लेडी, एक वुमन देवी नाम की, उनसे शादी कर ली। किसने? अशोक ने। नाउ देवी और अशोक के तीन बच्चे थे। तीन बच्चों में दो जो थे वो दो सन्स और एक डॉटर। दो सन्स की अगर बात की जाए तो महेंद्र
और उज्जैनिया और एक डॉटर संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने बाद में बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए श्रीलंका भेजा। ठीक है, तो ये तीन बच्चे हमने देखे जो अशोक और देवी के थे, दो लड़के और एक डॉटर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, ऐसा एक और चीज भी मानी जाती है, पीएस जो है, पीएस कौन है भाई, अपना नाम बताइए। तो पीएस जो है उन ये बता रहे हैं कि 99 भाइयों को मारा बट टिस्सा को छोड़ दिया था अशोक ने। सो कई जगह माना जाता है कि अशोक को मिला के 100 थे, कई जगह माना जाता है कि अशोक को छोड़कर 100 भाई थे, जिसमें उन्होंने सबको मारा एक भाई को छोड़कर टिस्सा को। ओके, ठीक है। सो अब इसके बाद हमने ये तीन बच्चे देख लिए, दो सन और एक डॉटर। नाउ व्हाइल अशोक वाज एट अवंती, जब वो अवंती चले गए थे, यानी कि जब वो उज्जैन चले गए थे, हमने महाजनपद में देखा था कि अवंती की कैपिटल उज्जैनी थी। ठीक है, तो जब पाटलिपुत्र से उज्जैनी चले गए थे अशोक, तो उनका एक भाई था सुषिमा। सुषिमा नाम का जो भाई था, ही वॉज वेरी गुड एट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स खेलने में उसको बड़ी मजा आती थी। ठीक है, सामने सामने अच्छा बन लेंगे, पीठ पीछे ये करेंगे, जो बोलते ना हम लोग बोल रहे हैं कि क्या पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ठीक है, सो पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया सुषिमा ने। नाउ सुषिमा कन्विंस्ड बिंदुसार एंड धीरे धीरे आसपास का एरिया कंट्रोल करना, लेना, एक्वायर करना शुरू कर दिया। तो अशोक को उज्जैनी भेजकर, अशोक को अवंती भेजकर सुषिमा ने पॉलिटिक्स खेलना शुरू किया और अपने आसपास के एरिया को एक्वायर करना शुरू कर दिया। नाउ व्हेन अशोक रियलाइज्ड दिस, बैक इन अवंती, ही गॉट फ्यूरियस। अशोक का टेम्पर बहुत ही खतरनाक था। अशोक गॉट रियली फ्यूरियस, ही गॉट रियली एंग्री कि मेरा भाई ही है एंड ही इज प्लेइंग दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स विद मी। इसके बाद व्हाट अशोक डिड वाज ही जस्ट गोज एंड किल्स ऑल हिज ब्रदर्स। अशोका देन डिसाइड्स टू किल हिज ब्रदर्स एंड दस ही किल्स इवन सुषिमा। सुषिमा को भी मार दिया। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि हम अशोक के बहुत ही हाई टेम्पर की बात कर रहे हैं, बहुत ही तेज गुस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो देयर वर अ फ्यू टाइटल्स जो अशोका को दिए गए थे। उनको देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। देवनाम प्रिय यानी कि जो देवों के प्रिय थे, बिलव्ड ऑफ गॉड्स, प्रियदर्शी, उनको प्रियदर्शी का टाइटल दिया गया था। प्रियदर्शी इज समबडी हु इज मोस्ट ब्यूटिफुल, सबसे ज्यादा सुंदर। तो प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय, ये दो टाइटल्स थे। इसके अलावा देयर वाज अनदर टाइटल, चांड अशोक का टाइटल था, जो लोगों ने, जो पॉपुलेशन ने, जो कि वहां की पब्लिक ने अशोक को दिया था, चांड अशोक, ये लोगों ने दिया था। चांड अशोक का मतलब अशोका द फियरसेस्ट, सबसे गुस्सैल, सबसे तेज टेम्पर वाला। ठीक है, जिसका टेम्पर सबसे बुरा था, समबडी विद अ बैड टेम्पर। सो दीज वर अ फ्यू टाइटल्स दैट वर गिवन टू अशोक। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, ये बताओ। राम इज आस्किंग देवनाम प्रियदर्शिनी क्या है फिर। सो उनके कुछ जो इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स थे, उसमें ये नाम मेंशन्ड है, विच इज बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम अशोक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद अब हम कलिंग वॉर की बात करेंगे। तो हर इंसान जो कि अशोक के बारे में पढ़ता है, सुनता है, वो ये चीज तो जानता है कि उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इज द कलिंग वॉर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जिसके बाद अशोक की पूरी लाइफ बदल जाती है इज द वॉर ऑफ कलिंग। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो व्हाट हैपेंड इज, जब ये कलिंग का वॉर हुआ था, जब ये, अच्छा जस्ट अ सेकेंड,
सो लुक एट दिस एम्पायर, द एम्पायर दैट इज कलर्ड ग्रीन, द एरिया दैट इज कलर्ड ग्रीन, वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर का एम्पायर है, ठीक है? जस्ट लुक एट दिस एम्पायर. ठीक है, इसमें देखो उड़ीसा कलिंग वाला जो एरिया है ये अभी तक चंद्रगुप्त ने एक्वायर नहीं किया है, ठीक है? सो जो ग्रीन वाला एरिया है दैट इज अंडर चंद्रगुप्त मौर्य. अब हम बात करेंगे अशोक के कलिंग वॉर की. सो व्हाट हैपेंड इज, जब ये कलिंग का वॉर हुआ, दिस सिंपली चेंज द लाइफ ऑफ अशोक. मोर देन 1 लाख लोग डाइड इन दिस वॉर, ठीक है? इसमें से कई हजार लोग तो अशोक ने खुद मारे थे. So after the war ended and after Ashok realized कि भाई ये क्या हो गया, he goes back home and he looks at himself in front of the mirror and he sees that he is soaked in blood, पूरा खून से लतपतर बतर हो रखा है. So when he looks at himself and he sees himself, तो वो ये देखता है कि ये क्या है, he just gets very shocked कि ये मैंने क्या किया. वो रियलाइजेशन होती है ना लाइफ में, हमको कभी कभी किसी किसी तरीके की रियलाइजेशन हो जाती है, तो खुद को देखकर अशोक को ये रियलाइजेशन हुई कि मैंने ये क्या किया. ही फाइनली ही डिसाइड्स टू गिव अप ऑल हिज वेपन्स, ही डिसाइड्स टू लीव ऑल हिज वेपन्स. वो बोलते हैं मैं अपने सारे शस्त्र जो थे वो डाल दिए कि नहीं भाई अब ये नहीं. एंड ही डिसाइड्स कि लोगों को अगर जीतना है तो लोगों को लड़ाई झगड़े से नहीं जीतना है, लोगों को लड़ाई झगड़े से नहीं जीतना है, लोगों को प्यार से शांति से जीतना है. सो ही डिसाइड्स टू फाइनली टेक ओवर बुद्धिज्म. ओके, सो यहां पे अगर कुछ लोग हैं जो सेशन डिसलाइक कर रहे हैं, तो आई कैन नॉट जस्ट गो ऑन एंड किल दोज पीपल, राइट? आई कैन नॉट जस्ट गो ऑन एंड शाउट एट दीज पीपल कि भाई ये क्यों किया. व्हाट आई कैन डू हियर इज मैं प्यार से मैं उनको और अच्छा पढ़ा के, ठीक है, मे बी दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग हियर, मैं क्या कर सकती हूँ अगर मुझे उनको जीतना है, तो इफ आई हैव टू विन ओवर देम आई कैन मे बी स्प्रेड मोर नॉलेज, स्प्रेड लव, पीस, शांति, और उस तरीके से मैं उनको जीत सकती हूँ, विच आई विल ट्राई. ठीक है, सो वैसे ही अशोक जो थे, ही फाइनली डिसाइड्स टू टेक ओवर बुद्धिज्म एंड ही सेज कि लोगों को मैं लव पीस से जीतूंगा, ना कि वॉर और लड़ाई से. सो वॉट इज सेड हियर इज कि ही गिव्स अप और ही अबैंडन्स भेरी घोष. द वर्ड यूज हियर इज भेरी घोष एंड फाइनली ही एम्ब्रेसेस धम्म घोष, यानी कि कॉन्केस्ट बाय वॉर, लड़ाई झगड़े से जीतना, कॉन्केस्ट करना, कॉन्कर करने को छोड़कर अशोक ने एम्ब्रेस किया, क्या किया, धम्म घोष, विच इज कॉन्केस्ट बाय लव एंड पीस. ठीक है, दिस इज वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, नाउ इफ वी सी विच किंग एक्सेप्टेड रिलीजन ड्यूरिंग द एंड ऑफ हिज रीन, किस राजा ने किस रिलीजन को अपनाया ड्यूरिंग द एंड ऑफ हिज रीन. सो इफ यू टॉक अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये श्रवण बेलगोल चले गए थे, ही टुक टू जैनिज्म. बिंदुसार जो थे उनने आजीविका सेक्ट को अपना लिया, और अशोक जो थे वो कलिंग वॉर के बाद उन्होंने जब रियलाइज किया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तो भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपना लिया और बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए. आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर. इतनी चीज समझ आई कि नहीं आई ये बताओ. और डू वी नॉट हैव एनीबडी हु इज न्यू हियर इन टुडेज क्लास? कोई नए बच्चे नहीं हैं आज क्लास में क्या? और इवन इफ वी हैव समबडी, वेलकम टू द क्लास एंड आई होप चीजें समझ आ रही हैं. ओके, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? वेरी गुड. अब अशोका के कुछ इंस्क्रिप्शंस की बात करेंगे. देखो कई बार इंस्क्रिप्शंस से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इंस्क्रिप्शंस को भी ध्यान में रखें. Yes, indeed. It is also said to be one of his ways to expand the kingdom. वो soft power वाली चीज बोलते हैं ना, that it's not always necessary to bring hard power into the picture.
ठीक है, कई बार हमने देखा है कि हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए सॉफ्ट पावर का यूज करते हैं, कई बार हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कंट्रीज जो होती हैं वो सॉफ्ट पावर यूज करती हैं। सो इट्स नॉट ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ वेपन्स। हमेशा बोला जाता है ना कि हर चीज के लिए ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती है, लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं होती। सो दैट वाज दैट सम हिस्टोरियंस आल्सो कंसीडरड दैट इट वाज जस्ट अ वे टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। बट ठीक है, एनसीईआरटी का व्यू यहाँ पे रख दिया मैंने। हेलो उत्सव, वेलकम टू द क्लास। महेंद्र इज आस्किंग, सी इफ यू हैव शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन यू नीड नॉट एक्सप्लेन दीज वर्ड, बिकॉज समबडी हु इज चेकिंग योर पेपर ऑलरेडी नोज कि भेरी घोष क्या हो रहा है। और अगर तुम एक्सप्लेन करोगे और वो टर्म नहीं यूज करोगे तो गलत ही है। जस्ट यूज दीज टेक्निकल टर्म्स, इट मेक्स योर आंसर लुक, मतलब योर आंसर लुक्स मोर कि हाँ किसी पढ़े लिखे इंसान ने उस एक्चुअली रेड दीज थिंग्स लिखा हुआ है। सो ट्राई यूजिंग दीज टर्म्स मोर ऑफन। ओके ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं। सो अशोकन इंस्क्रिप्शन को समझने वाले जो इंसान थे, इट वाज जेम्स प्रिंसेप, इट वाज बैक इन 1837। तो इंस्क्रिप्शन को किसने डिसाइफर किया था? इट वॉज डिसाइफर बाय जेम्स प्रिंसेप। एंड अशोका के बारे में हमें ये चीज ध्यान रखनी है दैट ही वॉज द फर्स्ट किंग टू लीव हिज रिकॉर्ड्स ऑन स्टोन। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है दैट ही वॉज द फर्स्ट किंग। ये एक ऐसे पहले किंग थे हु लेफ्ट हिज रिकॉर्ड्स, अपने पूरे रिकॉर्ड्स जो थे उन्होंने स्टोन पर छोड़े। ओके, इनके जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह थी, इसकी लैंग्वेज क्या थी? द लैंग्वेज वॉज प्राकृत। यू नीड टू रिमेंबर दिस, द लैंग्वेज वॉज प्राकृत। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम प्राकृत लैंग्वेज, जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था, मैंने आपको बताया कि नॉर्थ वेस्ट में बिंदुसार के टाइम पे एक रिवोल्ट हुआ था, जिस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, उस नॉर्थ वेस्ट वाले पे जो इम वाले वाली जगह पे जो इंस्क्रिप्शंस हैं, दोज इंस्क्रिप्शंस आर इन अरेमिक लैंग्वेज एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। ये भी आपको याद रखना है। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, सो दीज आर द लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इनके जो इंस्क्रिप्शंस थे उनको कई बारी हाईवेज पर लगा दिया जाता था। ठीक है, ये जो थे ये इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हर जगह पर मिले हैं। सो बेसिकली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले जो मेजर एरियाज हैं, उन सारे एरियाज में हमको अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। सी यू कैन सी इट बाई द एम्पायर, हिज एम्पायर वॉज सो लार्ज। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, सारी जगह तो कवर हो रही है। सो हिज इंस्क्रिप्शंस वर स्प्रेड अक्रॉस दीज एरियाज। ओके ठीक है, सो अब इसकी अगर हम बात करें तो इनके जो एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस कुछ कुछ थे, वो कई बारी मेजर, वो उनको डिवाइड कर दिया जाता है, उनको सेग्रीगेट कर दिया जाता है मेजर एडिक्ट्स एंड माइनर एडिक्ट्स में। ओके, सो मेजर एडिक्ट्स की अगर बात करें तो मेजर एडिक्ट्स में वो सारी चीजें, उसमें वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जिससे अशोका इज डायरेक्टली टॉकिंग टू द पीपल और टू द पब्लिक। ठीक, तो इंस्क्रिप्शंस बेसिकली अगर लिखे गए हैं तो वो इस तरीके से लिखे गए हैं जिससे ये लग रहा है कि अशोक सीधे लोगों से बात कर रहे हैं, सीधे जनरल पब्लिक से बात कर रहे हैं। और माइनर माइनर एडिक्ट्स में ऐसा लगता है कि अशोक जो वहां लिखा हुआ है उससे ये लग रहा है कि अशोक जो है वो जनरल पब्लिक से नहीं बल्कि जो बुद्धिस्ट संघ के मेंबर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। ये समझ में आ गया। इसके बाद अशोक का जो नाम है, अशोक का जो नाम है, इट अकर्स ओनली इन माइनर रॉक एडिक्ट्स एट थ्री प्लेसेस। ये आपका होमवर्क है, और अगर किसी को यहाँ पता है तो मत बताना, ताकि बाकी भी इसको ढूंढ के आए कि वो तीन जगह कौन सी थी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो इनका एक रॉक एडिक्ट 13 है। दिस रॉक एडिक्ट 13, ये किस बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट द डिटेल्स ऑफ द कलिंग वॉर। तो अगर आपसे पूछा जाता है अशोक का कौन सा एडिक्ट है,
कौन सा रॉक एडिक्ट है, आते हैं क्वेश्चन, एडिक्ट नंबर 1, 2, 3, 4, फलाना ढिकाना, वट एवर इट इज, कौन से नंबर का एडिक्ट है विच टॉक्स अबाउट द डिटेल्स ऑफ द कलिंग वॉर, और कलिंग क्योंकि इतना इंपॉर्टेंस होल्ड करता है अशोक की लाइफ में कि क्वेश्चन तो आ ही सकता है. सो इफ इट्स आस्ड अबाउट विच रॉक एडिक्ट, इट इज द एडिक्ट नंबर 13. ओके, इट इज द एडिक्ट नंबर 13. इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट पिलर एडिक्ट 7, इफ यू टॉक अबाउट पिलर एडिक्ट 7, तो इट इज द समरी ऑफ हिज एफर्ट्स टू प्रमोट धम्मा. ठीक है, जो भी अशोक ने धम्म घोष की बात करी थी, ठीक है, वो उसकी डिटेल्स, अशोक ने अपने धम्म की बात करी थी, तो वो चीजें कहाँ पर हैं, वो डिटेल्स कहाँ पर है, इट इज इन द पिलर एडिक्ट नंबर 7. आई थिंक ये दो चीजें आपको समझ आ गई हैं. मेजर एडिक्ट और माइनर एडिक्ट में भी क्या डिफरेंस है ये भी समझ आ गया है. मेजर एडिक्ट के थ्रू अशोक इज टॉकिंग डायरेक्टली टू द पीपल, एंड माइनर एडिक्ट के थ्रू इट इज टॉकिंग टू द संघ मेंबर्स. ओके, नेक्स्ट, नाउ वी टॉक अबाउट, सी दिस इज जस्ट काइंड ऑफ रिविजनिस्ट पेज में वील टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कलिंग, कि क्या इम्पैक्ट छोड़ा था कलिंग वॉर ने अशोक पे. सो अशोक ने ऐसा बोला जाता है कि एक मेजर वॉर लड़ा था, ही फॉट जस्ट वन मेजर वॉर एंड दैट वॉज द कलिंग वॉर. इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे, जिसमें कई हजार लोग तो अशोक ने खुद मारे थे. ओके, इसके बाद ही अबैंडन्ड द पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन, वही जो मैंने आपको बताया कि वॉर से कॉन्कर करने की जो का जो तरीका था उसको छोड़कर ही बेसिकली ट्राइड पॉलिसी ऑफ कल्चरल कॉन्केस्ट. कल्चरल कॉन्केस्ट स्टार्ट किया, कल्चरली कॉन्कर करना स्टार्ट किया, एंड ये एक तरीके की सॉफ्ट पावर मानी जाती है कि भाई लड़ाई झगड़ा वॉर वगैरह वायलेंस वगैरह नहीं, सॉफ्ट पावर के थ्रू हम कॉन्कर करने की कोशिश करेंगे. सो भेरी घोष वॉज रिप्लेस्ड विद धम्म घोष, और धम्म घोष अभी इसके बाद मैंने आपकी बात करी मेजर रॉक एडिक्ट 13 की, तो ये जो रॉक एडिक्ट है अभी हमने ऊपर देखा था कि ये कलिंग के डिटेल्स के बारे में बात करता है. तो अशोक ये चाहते थे कि वो जो भी एरिया को अब एक्वायर करें वो अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी सॉफ्ट पावर से एक्वायर करें, ना कि वॉर से, लड़ाई झगड़े से या फिर वायलेंस से. ठीक है, इतना चीज समझ आई. सो वन थिंग दैट वाज अगेन न्यू दैट वाज फॉलोड बाय अशोक वो ये था कि ही टुक स्टेप्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मेन इन फॉरेन लैंड्स. ये किसी राजा के द्वारा अभी तक नहीं किया गया था. दिस वॉज वन थिंग न्यू जो हिस्टोरियंस ने नोटिस करी कि भाई जो फॉरेन एरियाज में, फॉरेन लैंड में जो लोग रह रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए भी अशोक ने कई स्टेप्स लिए. ठीक, इसके बाद अगर बात करी जाए, इसके बाद अगर हम बात करें तो कंदाहर का एक इंस्क्रिप्शन है जो ये बताता है कि अशोक की पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी भाई, ये पॉलिसी कि अपनी आइडियोलॉजी से, अपने धम्म से अपने एम्पायर को बढ़ाना है, अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करना है. ये जो पॉलिसी थी ये अशोक की, ये सही प्रूव हुई, इसने उसे पॉजिटिवली हेल्प किया, ये कंदाहर का इंस्क्रिप्शन बताता है. ओके, इतनी चीज समझ आई कि नहीं आई पहले वो बताओ. ऑल्सो पीपल हु हैव ज्वाइंड राइट नाउ प्लीज लाइक द सेशन, एंड पीपल हु आर न्यू हियर जस्ट लेट मी नो कि तुम लोग नए हो यार, नाम पता बता पता मत बताओ, नाम बताओ अपना, और नए हो ये बताओ, सो दैट आई कैन आस्क यू पीपल एज वेल इफ यू आर एंजॉइंग द क्लास, और चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है. विशाल, आई होप शी इज फाइन, जस्ट टेक केयर बट डू अटेंड द क्लास. इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद क्लास को देख लेना, ठीक है, डोंट लूज ऑन दिस. ओके, सो भाई कंदहार के इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने बात कर ली. नाउ वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट हियर इज, ये बात समझ लो कि जस्ट बिकॉज अशोका ने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था, और जस्ट बिकॉज ही वॉज लाइक अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा माफ करो, नॉट हैपनिंग, नाउ वी आर जस्ट बिकमिंग पीस लविंग इंसान, दैट डज नॉट मीन कि इंसान का बेसिक जो तरीका है, बेसिक नेचर है, वो खत्म हो जाएगा. तुम कितने भी अच्छे ऊपर ऊपर से बन जाओ, अंदर जो एक्चुअल तुम हो वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है. ठीक है, सो इट इज रॉन्ग टू थिंक,
अंकित, आई जस्ट रेड इट दैट आई एम द बेस्ट. थैंक यू सो मच. यू नीड नॉट डिलीट इट. तारीफ तुम लोग डिलीट कर देते हो, बुराइयां तुम लोग रहने देते हो. थैंक यू सो मच. ओके, सो इट इज रॉन्ग टू थिंक कि कलिंग के बाद अशोक जो थे वो एकदम पैसिफिस्ट हो गए थे या एकदम पीस लविंग इंसान हो गए थे. दैट इज रॉन्ग. ठीक है, ऐसा क्यों? इसके लिए भी कई प्रूफ दिए जाते हैं कि भाई उनने जो अपनी पीस वाली कंडीशन थी ये हर जगह नहीं अप्लाई करी. ठीक है, इनने हर जगह ये चीज नहीं अप्लाई करी. कैसे नहीं अप्लाई करी? उन्होंने ये बोला कि भाई आप ये धम्मा फॉलो तो करो, और अगर नहीं करोगे तो धमकी भी दे रहे थे कि यार नहीं करोगे तो थ्रेटन कर रहे हैं, हम धमकी दे रहे हैं तुमको. तो भाई ये कौन सा तरीका, ये कौन सा पीस लविंग नेचर है आपका? इसके अलावा जो लोग सही काम नहीं करते थे उनको पनिशमेंट देने के लिए ही हैड ऑफिसर्स, राजूकास जिनको बोला जाता है, जो जस्टिस प्रोवाइड करते थे. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि पीस को काउंटर करने के लिए भी, अशोका के पीस लविंग नेचर को काउंटर करने के लिए भी कई रीजंस, कई यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं. इसके बाद सबसे बड़ी चीज जो थी, ये डिड नॉट अबैंडन द ह्यूज आर्मी. इतनी बड़ी आर्मी थी आपके पास, इतना बड़ा एम्पायर आपके पास ऑलरेडी था, फिर आप बोल रहे हो कि आप पीस लविंग इंसान बन रहे हो, बट देन यू आर नॉट ऑल्सो रेडी टू गिव अप ऑन योर आर्मी. सो दीज आर अ फ्यू कॉन्ट्राडिक्शंस. तो अगर पूछा जाता है कि अशोका पीस लविंग थे, हाँ भाई पीस लविंग थे, बट देन ही ऑल्सो हैड, यू कैन ऑल्सो गिव रीजन्स कि भाई देवर ऑल्सो, देर इज ऑल्सो अदर साइड ऑफ द स्टोरी कि एकदम भी पीस लविंग नहीं बन गए थे. ओके, ठीक है. इसके बाद अशोक की बात करें तो अशोक ने एम्ब्रेस किया बुद्धिज्म आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय अ 9 ईयर ओल्ड, एक बॉय मंक था निग्रोध नाम का, उससे इंस्पायर होके, बॉय क्यों बोला जा रहा है, 9 साल का लड़का था ये, उससे इंस्पायर होकर और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मंक उपागुप्त. ये दो नाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, निग्रोध और उपागुप्त, ये दो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इनके कारण अशोक एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म. आई होप इतनी चीज आप लोगों को समझ आई है एंड इट इज क्लियर. इफ इट इज क्लियर देन प्लीज टेल मी. अंकित, इट इज गुड दैट तुमको अच्छे से समझ में आ रहा है, एंड आई होप बाकी सबको भी अच्छे से समझ में आ रहा हो. ओके, गुड. तो अशोक के धम्म की अब हम बात करेंगे. ठीक है, इतनी देर से जो ये धम्म धम्म की हम बात कर रहे हैं कि अशोक ने अपना धम्म बोलो या धम्मा बोल लो, इंग्लिश वाले जैसा बोलना चाहो, ये क्या है? भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष को अडॉप्ट कर लिया. व्हाट इज दिस? वॉट इज इट एक्चुअली? सो बेसिकली दिस इज नॉट अ नैरो धर्म. ये कोई ऐसा धर्म नहीं है जो हम समझ रहे हैं. कोई सेक्ट को नहीं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर सेक्ट पे विश्वास रखने की बात नहीं कर रहा है. ये एक काफी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है. ये काफी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, ये बेसिकली इज ट्राइंग टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर. आपका सोशल ऑर्डर एम्पायर में कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, उसकी बात करता है. ठीक, तो ये बेसिकली टू लिव एंड लेट लिव की बात करता है. वैसे ही जैसे पढ़ो और पढ़ने दो, वैसे ही लिव एंड लेट लिव. तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो और पढ़ने दे भी नहीं रहे हो. ठीक है, तो वैसे ही ये लिव और लेट लिव की बात कर रहा है. इसके अलावा ऐसा बोला जाता है अशोक के द्वारा कि अगर पीपल वेल बिहेव्ड हैं, अगर ये सोशल ऑर्डर प्रॉपर है सोसाइटी में, देन पीपल कैन ईजिली अटेन हेवन. पीपल कैन ईजिली अटेन हेवन. ओके, सो इफ फॉलोड बाय मेजोरिटी इट वुड लीड टू अ स्टेबल एम्पायर. ये चीज अशोक ने बोली. इतनी तुम लोगों को समझ आई कि नहीं आई? ओके, इसके बाद वन थिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज दिस कि
हमने बुद्धा को पढ़ा था, हम जानते थे कि बुद्धा काफी आइडलिस्ट थे, ठीक है। उसके बाद अगर आप कौटिल्य को जानते हो, चाणक्य को जानते हो, जब हमने चंद्रगुप्त की बात देखी तो ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल, चाणक्य वॉज वेरी प्रैक्टिकल, तो उनको रियलिस्ट माना जाता है। अगर आपने थोड़ी सी थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी है, तो यू वुड हैव रेड इन पॉलिटिकल थ्योरी दैट मैकियावेली और चाणक्य, यानी कि मैकियावेली और कौटिल्य को कंपेयर किया जाता है। कौटिल्य को, चाणक्य को इंडियन मैकियावेली के नाम से जाना जाता है, बिकॉज मैकियावेली को सबसे ज्यादा श्रूड, सबसे ज्यादा रियलिस्ट माना जाता है, ठीक है। तो वैसे ही कौटिल्य को रियलिस्ट माना जाता है। अब अगर बुद्धा की, अगर हम यहाँ पे अशोक की बात करें, तो अशोक को एक आइडलिस्ट और एक रियलिस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन माना जाता है, कि लाइक ही इज वेरी आइडलिस्ट इन द करेक्ट करेक्ट सिचुएशंस एंड ही इज ऑल्सो रियलिस्ट इन द अदर सिचुएशंस। जहां पे रियलिस्ट होने की जरूरत है वहां पे रियलिस्ट रहेंगे, जहां पे आइडलिस्ट बनने की जरूरत है वहां पे आइडलिस्ट रहेंगे। ओके, इसके अलावा सो इफ यू सी अबाउट लाइक द कॉम्बिनेशन, अशोक वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बुद्धाज आइडलिज्म एंड कौटिल्याज रियलिज्म, ये एक चीज है दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा नाउ वी कम टू दिस इज दैट, कि डेरियस याद है, डेरियस अंकल याद है कि नहीं याद है? वी रेड इट इन वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स, वी वर रीडिंग अबाउट साइरस, वी रेड अबाउट डेरियस एंड वी रेड अबाउट जोरसीज। आई होप ये तुम लोगों को याद है। ठीक है, सो साइरस, डेरियस और जर्सीस के बारे में हमने पढ़ा था। इधर ये जो डेरियस है, डेरियस के जो इंस्क्रिप्शंस थे उनसे कंपेयर किया जाता है अशोकन इंस्क्रिप्शंस को, और डेरियस और अशोकन इंस्क्रिप्शंस की कुछ सिमिलैरिटीज हैं जिनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये बोला जाता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है ना, तो उस इंग्लिश में अभी अभी तो इतना मुझे भी याद नहीं है, बचपन में अपन पढ़ते थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, याद तो इतना तो याद है, ठीक है। तो इन दोनों के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, किन दोनों के, अशोका के और डेरियस के, दोनों के इंस्क्रिप्शंस थर्ड पर्सन से शुरू होते हैं, थर्ड पर्सन में स्टार्ट किए जाते हैं, मेरा तुम्हारा नहीं किसी तीसरे का, वैसे थर्ड पर्सन में स्टार्ट किए जाते हैं, एंड फाइनली दे बोथ चेंज टू फर्स्ट पर्सन। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये चालू थर्ड पर्सन में होंगे, बट दे देन चेंज टू फर्स्ट पर्सन, ठीक है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इट वॉज इगैलिटेरियन था, सेक्युलर था, साइंटिफिक टेम्परामेंट था, ये सारी चीजें तो बेसिक हैं, ये तो होती ही हैं, ओके। इसके बाद ये बोला जाता है डू नॉट बी सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस नहीं होना है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, यू हैव टू बी काइंड टू अदर्स, आपको जानवरों को नहीं मारना है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू लाइक, खरगोश लोगों को जिंदा रहने दो, पर क्या कर सकते हैं अब, ठीक है, कछुआ जीत जाए तो जीत जाए। यू शुड हेल्प द नीडी, यू शुड नॉट प्रेज योर ओन फेथ इन फ्रंट ऑफ द अदर, अपने ही फेथ के बारे में ज्यादा बड़ाई मत करो, ज्यादा आग मतलब ऐसा मत शो ऑफ करो कि तुम ही एकदम तेज हो और कोई इतने तेज नहीं हो, ठीक है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डू नॉट हार्म एनिमल्स, तो भाई सब मिलकर किसी एनिमल को एकदम मार ही डालोगे क्या? मत मारो, अभी जाने दो, बख्श दो, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, यू नीड टू स्ट्रेंथन योर फैमिली, ठीक। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉफ्ट पावर की, सॉफ्ट पावर हैज टू बी, यू हैव टू जस्ट स्प्रेड द सॉफ्ट पावर, ये सारी चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं। ओके, सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर, इतनी चीज क्लियर है, फुल ऑन मस्ती के मूड में हो तुम लोग। तो इफ वी रिवाइज वंस अगेन, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइटल्स, दीज आर द थ्री टाइटल्स दैट लाइक प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय, एक अशोक वर्धन और एक चांड अशोक मैंने बताया आपको, विच वॉज गिवन बाय द पीपल बिकॉज ही वॉज वेरी गुस्सैल, ही हैड अ वेरी बैड टेम्पर, इस कारण से चांड अशोक जो टाइटल था वो किसको दिया गया, वो अशोक को दिया गया। किसने दिया?
लोगों ने दिया। ओके, इसके रिलीजन की बात कर ली, बुद्धिज्म, देन वी टॉक्ड अबाउट द एडिक्ट्स ऑफ अशोक। इतनी चीजें क्लियर हैं। इट वाज डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। आई होप ये याद है, ये हम अभी कर चुके हैं पूरा, जस्ट डोंट फॉरगेट इट। ओके, इसके बाद कुछ लैंग्वेजेस की बात करी थी हमने। इसके बाद हमने लैंग्वेजेस की बात करी थी, प्राकृत, खरोष्ठी स्क्रिप्ट, ग्रीक और अरमेक लैंग्वेज जो नॉर्थ वेस्ट में इंस्क्रिप्शंस थे, माइनर एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, मेजर एडिक्ट्स। एडिक्ट नंबर 13 किसकी बात करता है, जल्दी बताओ। इफ यू आर ऑल आर एक्चुअली लिसनिंग तो जल्दी बताओ कि हम अगर बात कर रहे हैं तो वो 13 वाला एडिक्ट जो है क्या बताता है। टेल मी, यस, द एडिक्ट नंबर 13 इज टॉकिंग इज गिविंग बेसिकली द डिटेल्स ऑफ द कलिंग वॉर। ओके, सो हियर आर सम पिलर्स, और उनके पिलर्स के ऊपर कौन से कैपिटल थे, पिलर के ऊपर कौन सा जानवर बना था, या कौन सा कोई व्हील बना था, या क्या था। जैसे हम अशोक चक्र, अशोक उसकी बात करते हैं ना, इफ यू टॉक अबाउट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर लायन कैपिटल्स, वील टॉक अबाउट सारनाथ एंड सांची, वील टॉक अबाउट सिंगल लायन कैपिटल, तो हम रानी पूर्व की बात करेंगे। ये लिस्ट याद करनी है, ये लिस्ट हमको याद करनी है। एलिफेंट कहाँ पे है कैपिटल में, हॉर्स कैपिटल कहाँ पे है, बुल कैपिटल कहाँ पे है। कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ तो याद होगा, लेकिन जब अगर मैच द कॉलम में पूछ लिया जाएगा तो सब निपट जाएगा। सो यू नीड टू रिमेम्बर दीज कि कौन से एनिमल कैपिटल पिलर पे जो है वो किस लोकेशन में है, बेसिकली द पिलर लोकेशन एंड द कैपिटल, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। यू हैव टू रिमेम्बर दीज। अब ये फोर लायन कैपिटल्स तो भाई आपका अशोक स्तंभ में आ जाता है, ठीक है, व्हाट अबाउट द रेस्ट। सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस, एंड इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। ओके, एंड अगेन द लास्ट लाइन, दैट इट वॉज अ फैक्ट दैट द फर्स्ट इंडियन किंग इन द इंडियन हिस्ट्री, पूरी इंडियन हिस्ट्री में पहला किंग टू लीव हिज रिकॉर्ड्स ऑन स्टोन्स, कौन थे आपके, अशोक थे। आई होप इतनी चीज क्लियर है। वी हैव रेड इन डिटेल अबाउट द थ्री किंग्स, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोक ट्रायन, तभी तुम लोगों को ये दिमाग में रहेगा, नहीं तो पता चला मौर्या तक पहुंच गए हैं, पीछे वेदिक खाली हो गया है, पीछे हरप्पन खाली हो गया है। डोंट डू दैट, कीप ऑन रिवाइजिंग इट। ओके, ओके, चलो ठीक है। सो बिफोर गोइंग जस्ट डू लाइक द सेशन, आज तुम लोग शेयर करोगे सेशन और चैनल भी शेयर करने वाले हो, प्लीज कर देना, एंड किसी को कोई दिक्कत हो तो मेल कर लेना। इतने सारे लोग सेशन देखते हैं, लाइक ही नहीं करते, जस्ट डू लाइक द सेशन यार। काफी ज्यादा भौंक रहा है शायद, ठीक है, ओके, सो आई हैव टू एंड द सेशन। लेट मी सी उसको खरगोश दिखा कि नहीं दिखा। ओके, परितोष सिंह, बैकग्राउंड में कुत्तों की आवाज आ रही है। हाँ, इट्स जस्ट इट डोंट डोंट कॉल इट कुत्ता, इज माई डॉग। ओके, इज माई डॉग। सो आई जस्ट एंड द क्लास, इफ एनीबडी हैज अ डाउट, ग्रुप अभी खोल रही हूँ, ग्रुप में डिस्कस कर लो, एंड उसके बाद भी नहीं समझ आए देन डू मेल इट टू मी। एंड यस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीबडी।